नमस्कार आदाब, मैं रानू मशीन पब्लिक न्यूज चैनल से। आज मैं फिर मुमरा कोसा में किस्मत कॉलोनी में खड़ा हूँ। अब्दुल्ला पटेल के गली में इंग्लिश मीडियम का जो गेट है उस रोड पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जकरिया मस्जिद के बगल में एक लक्की बेकरी है। लक्की बेकरी से जो है इसका आधा शटर खुला हुआ है, आधा बंद है। और यहाँ पर देखिए बहुत, यहाँ फुटपाथ के ऊपर लकड़े रखे हुए हैं, साइकिल खड़ी है। और जस्ट उसी के बगल में देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ चाइनीज की एक दुकान है। चाइनीज की दुकान के जस्ट बगल में देखिए एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड लगा हुआ है जो बस बार है। यहाँ पे कई सारी बिल्डिंगों को लाइट गई हुई है यहाँ से। अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये यहाँ पे सिलेंडर जलाते हैं, लोग आग जलाते हैं और ये आग लग जाती है, कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इसी से थोड़ा और आगे हम जाएंगे। ये देखिए पाइपलाइन पूरी जो सिद्दीकीबाग से लग के जो लगा हुआ है पाइपलाइन। और कॉर्नर पे देखिए यहाँ पर कुछ भाजी की दुकानें और पानीपुरी की दुकानें यहाँ पे लगती है। यहाँ शाम के टाइम में जो है बिल्कुल चलने के लिए जगह नहीं होती है। तो इसके ऊपर हमने पहले भी न्यूज़ बना चुके हैं, पहले भी हमने म्यूनसिपल जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमने कह चुके हैं, और लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई ना होने की वजह क्या है? कि ये लोग या पैसा खाते हैं यहाँ पर, या मतलब उनसे पावती फाड़ते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये नहीं पैसा खाते हैं, नहीं पावती फाड़ते हैं, तो म्यूनसिपालिटी ऑफिस से मेरी दरखास्त है कि मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे कार्रवाई करें और यहाँ का हर चीज सफाया करें ताकि लोगों को चलने के लिए फुटपाथ मिल जाए। मैं फिर हाजिर हूंगा नई न्यूज के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।